चारित्रिक संदेह वैवाहिक जीवन में अशांति तो निर्माण करता ही है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि भी खो देता है। कुछ ऐसा ही मामला कलमना पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुआ है, जहां चरित्र पर संदेह के कारण पति ने पत्नी को पत्थर से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की है। यह वारदात मंगलवार की सुबह कलमना के पावन गांव परिसर में हुई है। जख्मी का नाम आरती तिवारी, उम्र 40 साल है और आरोपी पति रमेश तिवारी, उम्र 45 साल, देवीनगर निवासी, फिलहाल फरार है। रमेश पूजा पाठ करता है। उसके परिवार में पत्नी आरती और 3 बच्चे हैं। वह मूलतः रीवा एमपी का निवासी है। अक्सर आरती के मोबाइल पर बात करने से रमेश उसके चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर काफी समय से दोनों के बीच विवाद होता आया है। उनके बीच कई दफा मारपीट भी हुई है। यह विवाद पार्टी थाने में भी गया था। घरेलू विवाद होने से पुलिस दोनों को समझाइश देकर लौटा देती थी। इससे रमेश का हौसला बढ़ गया। आरती त्रस्त होकर महिला आश्रम भी गई थी, लेकिन वहां मन नहीं लगने से लौट आई थी, जिसके चलते उनके परिजनों को भी कोई हादसा होने की आशंका दिखाई दे रही थी और इस वजह से परिजन आरती को मथुरा के महिला आश्रम में भेजने वाले थे। लेकिन रमेश पत्नी की हत्या करने की योजना भी था। उसने आज सुबह 9 बजे आरती को परिसर में रहने वाले जीजा के घर चलने को कहा। वह सुलह करके विवाद निपटाने का झांसा दिया। आरती उसकी बात पर भरोसा करके बाइक पर सवार होकर गई। रमेश आरती को पावन गांव के निर्जन परिसर में लेके आया। वहां पर लेआउट है और बाइक से उतारने के बाद रमेश ने पत्थर से आरती के सिर पर वार किया। आरती गंभीर जख्मी हो गई। उसका शोर सुनकर परिसर के मजदूर मदद के लिए दौड़े। रमेश बाइक छोड़कर फरार हो गया। मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरती को अस्पताल पहुंचाया और बाइक के नंबर और मजदूरों द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस को रमेश के लिप्त होने का पता चल गया। घर पर दबिश देने पर उसके फरार होने का पता चला। आरती की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके परिजनों को कोई घटना होने का पहले से संदेह था, लेकिन रमेश इतना बड़ा कदम उठाएगा यह किसी को लगा नहीं था। बहरहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। ये घटना है दिनांक 23/7/24 के सकाळी 10 ते 12 दरम्यान ची आहे। यामध्ये आरोपी रमेश प्रसाद जगजीवन प्रसाद तिवारी, उमर 40 वर्ष, हा भवानी भवन भगवान वाट लेआउट भवानी नगर पारडी येथे राहतो। जख्मी आहे त्याची पत्नी सौ आरती रमेश प्रसाद तिवारी, वय 34 वर्ष। त्यांना 2 मुलं आहे, एक मुलगा आणि मुलगी। या दोघांमध्ये वैवाहिक डिस्प्यूट होते। तिच्या नवऱ्याला बायकोवर शक होता आणि त्यामुळे पारडी पोलिसांना बऱ्याच वेळा तक्रारी झालेल्या आहेत। त्यांच्या एनसी दाखल होत्या आणि पोलीस स्टेशनचे हे सर्वजण त्यांना ओळखत होते। त्यांच्यावर बऱ्याच वेळा समजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता, परंतु त्या दिवशी ह्या व्यक्तीने स्वतःच्या पत्नीला समजवण्याचा बहाणा करून त्या ठिकाणी घेऊन गेला आणि दगडाने तिच्या डोक्यावर मारहाण करून जबर दुखापत केली आहे। त्यामुळे सकाळी आम्हाला जेव्हा घटनेची माहिती मिळाली, तिला तत्काळ आम्ही तिथल्या गावकऱ्यांच्या मदतीने भवानी हॉस्पिटलला नेलं। तिथून तिला GMC हॉस्पिटलला ऍडमिट केलेलं आहे आणि सध्या तिच्यावर उपचार चालू आहे। आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आरोपीकडे जे उपलब्ध मोबाईल आहेत त्याने ते बंद करून ठेवलेले आहे। इतर तांत्रिक मदतीच्या सहाय्याने टीव्ही स्टाफ आणि लोकल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आपण त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।